असलम टुडे आवर टॉपिक इज़ एवोकड्रज नंबर एवोकेडो नंबर इज़ अ क्लेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टेंट्रेज फॉर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स एवोकेडो नंबर इज़ रिप्रजेंटेड बाई एन एहाँ पर हम हमने स्मॉल ए क्यों नहीं लिखा क्योंकि अगर हम लिखते हैं एन ए स्मॉल ए तो वो यूनिट किसका है सोडियम का एवोक नंबर एक किसके इक्वल है सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन टू रेज पार ट्वेंटी थ्री अब ये एटम्स के लिए भी हो सकता है नंबर वन नंबर टू मॉलिक्यूल्स के लिए भी और नंबर थ्री फार्मूला यूनिट के लिए भी अब एटम कैसे अगर हमारे पास कार्बन एलिमेंट है तो उसमें हमने फाइंड करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा अगर हमने देखना हो कि इस कार्बन एटम में कितने एटम्स हैं इसी तरह हम एक बीकर लेते हैं उस बीकर के अंदर वाटर है अगर हमने उसमें फ़ाइंड करना हो कि इसके अंदर कितने मोल या हम कह दें कि इसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है इसी तरह एन ए सी एल फार्मूला यूनिट जैसे एन ए सी एल अगर होगा तो हम उसका क्या फाइंड करते हैं फार्मूला यूनिट तो अगर हमने देखना हो कि एक ग्लास के अंदर कितना एन ए सी एल प्रेजेंट है एन ए सी एल सॉल्ट होता है तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये फाइंड करना है कि हमारे पास कितने एन ए सी एल के फार्मूला यूनिट्स हैं तो हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं अब वो स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं ये सारा कुछ इक्वल है वन मोल के मतलब सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन टू रेस पार ट्वेंटी थ्री इक्वल है वन मोल के ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड है अब वो स्टैंडर्ड कैसे है कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ डजन अ सेट ऑफ ट्वेल्व मैं आपको कहूँ कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व औरेंजेस ट्वेल्व औरजेस कहना थोड़ा लंबा हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम कह लेते हैं कि वन डजन ऑरेंजेस या फिर वन डजन एक्स उसमें हमें पता है कि एक डजन में कितने होंगे ट्वेल्व होंगे इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो हम इक्वल कर लेते हैं वन मोल के अब हम इसको फाइंड करते हैं कि कार्बन एलिमेंट में कितने एटम्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और एन uh, ए जो है फार्मूला यूनिट है तो इसमें कितने फार्मूला यूनिट्स हैं यहाँ इन चोडन को ये भी कह सकते हैं कि इसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इस कार्बन एलिमेंट में इसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और इसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बन एटम है एक कार्बन एटम तो ये किसके इक्वल होगा सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन टू रेस पार्ट ट्वेंटी थ्री और ये किसके इक्वल होता है वन मोल के अगर हम मोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मोलिक्यूल्स में हमने एग्जाम्पल ली थी एच टू ओ की ऑक्सीजन के अंदर एक आइटम है तो वो तो इक्वल होगा सिक्स पॉइंट ज़ीरो टू टेन टू रेस पार्ट ट्वेंटी थ्री के लेकिन आप हाइड्रोजन में देखें यहाँ पे एज टू है इसका मतलब है कि इसमें दो एटम्स हैं तो इसलिए हम एवो को मल्टीप्लाई करेंगे टू एटम्स के साथ मतलब टू के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या हम इसको ये भी लिख सकते हैं टू मोल ऑफ एज टू और ऑक्सीजन को ये भी लिख सकते हैं वन मोल ऑफ ऑक्सीजन फार्मूला यूनिट फार्मूला यूनिट में हमने एग्जांपल ली थी सॉल्ट की एन ए सी एल की आप देखें इसमें दो एलिमेंट हैं एन ए और सी एल एन ए भी वन मोल है सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन टू रेस पार ट्वेंटी थ्री इसी तरह क्लोरीन भी वन है इसी तरह ये भी किसके इक्वल होगा सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन टू रेस पार ट्वेंटी थ्री वो इसलिए इक्वल होगा क्योंकि सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन टू रेस पार ट्वेंटी थ्री इक्वल किसके है वन मोल के